हेलो फ्रेंड्स, दिस इज लिमिट पार्ट 4। लिमिट पार्ट 4 में हम ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट के ऊपर डिस्कशन करेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट में एग्जाम्स में से हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो इस वजह से हम ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट में बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और हार्ड की तरफ जाएंगे। तो जब हम ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट पढ़ते हैं तो हमारे पास कुछ रिजल्ट आते हैं, जैसे लिमिट x टेंड टू 0 साइन एक्स ओवर एक्स 1, लिमिट x टेंड टू 0 टेन एक्स ओवर एक्स इक्वल टू 1 और लिमिट x टेंड टू 0 कोस एक्स 1, लिमिट x टेंड टू 0 साइन एक्स इक्वल टू 0, जिसमें से ये दो जो रिजल्ट है ये सबसे ज्यादा यूज होते हैं हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट में। तो साइन एक्स ओवर एक्स और टेन एक्स ओवर एक्स इक्वल टू 1 ये कैसे आता है ये प्रूफ करके दिखाऊंगा, और लिमिट एक्स टेंड टू 0 कोस एक्स इक्वल टू 1 ये यहीं से आप देखिए कोस 0 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, और साइन 0 पे 0 की वैल्यू क्या होती है हमारे पास 0। तो साइन एक्स ओवर एक्स और लिमिट एक्स टेंड टू 0 अगर आपको ये कंडीशन मिल रहा है तो आंसर आपका 1 आएगा। इसे प्रूफ करना, लिमिट पार्ट 3 में मैंने आप लोगों को एक्सपेंशन वाले क्वेश्चंस बताए थे। उस एक्सपेंशन में सबसे पहले मैंने आप लोगों को ये बताया था कि साइन एक्स का एक्सपेंशन क्या होता है। देखिए साइन एक्स का एक्सपेंशन होता है एक्स माइनस एक्स क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 5 ओवर 5 फैक्टोरियल माइनस एक्स की पावर 7 ओवर 7 फैक्टोरियल, और ये कंटिन्यूसली चलता जाता है। ये हमारा साइन एक्स का एक्सपेंशन है। अब देखिए हमारे पास क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है हमारे पास लिमिट x टेंड टू 0 और साइन एक्स ओवर एक्स इक्वल टू 1 यही है, इसे मुझे प्रूफ करना है। तो मैं क्या करूंगा, लिमिट x टेंड टू 0 साइन एक्स का एक्सपेंशन लिखेंगे, तो x माइनस एक्स क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल प्लस x की पावर 5 ओवर 5 फैक्टोरियल माइनस x की पावर 7 ओवर 7 फैक्टोरियल, और ये टर्म आगे चलता जाएगा। अब इसके डेनोमिनेटर में क्या है हमारे पास x है, यहाँ इक्वल का साइन नहीं लगाना हमें। अब देखिए x न्यूमिनेटर में से हम कॉमन ले लेंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा, लिमिट x टेंड टू 0 अगर मैंने x कॉमन ले लिया तो मेरे पास क्या बचेगा 1 माइनस, इसमें से x कॉमन गया तो x स्क्वायर ओवर 3 फैक्टोरियल, इसमें से x कॉमन गया तो x की पावर 4 ओवर 5 फैक्टोरियल, और ये टर्म कंटिन्यूसली चलता जाएगा और नीचे आ जाएगा आपके पास x। अब यहां पर हमें क्या करना है, टेकिंग लिमिट अब मुझे लिमिट लेना है। लिमिट लेने का मतलब है कि मुझे x की जगह क्या करना है 0। सबसे पहले यहां से x और इस x को कैंसिल कर दीजिए। अब x की जगह हम क्या पुट करेंगे 0, तो अगर हमने x की जगह 0 पुट किया तो 1 माइनस ये पूरा 0 हो जाएगा, और आगे आने वाले टर्म भी सारे 0 आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि आगे वही टर्म आएंगे जिसके साथ x लगा होगा, और उस x की जगह अगर हम 0 पुट करेंगे तो वो सारे टर्म भी क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे। तो हमारे पास बचेगा क्या, सिर्फ 1। तो आंसर में क्या आया आपके पास, सिर्फ 1। तो देखा हम लोगों ने कि लिमिट x टेंड टू 0 साइन एक्स ओवर एक्स इक्वल टू वन। ये हम लोगों ने देखा कि कैसे वन आता है। सिमिलरली लिमिट x टेंड टू जीरो, टेन एक्स ओवर एक्स का एक्सपेंशन होता है हमारे पास, यानी टेन एक्स का एक्सपेंशन लिखेंगे हम। और सिमिलरली जिस वे में हमने साइन एक्स का प्रूफ किया है उसी वे में हम टेन एक्स ओवर एक्स का प्रूफ करेंगे। तो अब इनके बेस पे क्वेश्चंस कैसे आते हैं हमारे सामने वो देखते हैं। इसे ही रफी का लिखा हूं। देखिए अब हमारे पास जो कंडीशन थी वो क्या कंडीशन थी, लिमिट x टेंड टू जीरो साइन एक्स ओवर एक्स वन और लिमिट x टेंड टू जीरो टेन एक्स ओवर एक्स इक्वल टू वन। ये दो हमारे पास कंडीशन थी। अब देखिए अगर आपको एग्जाम्स में क्वेश्चन की स्टेप्स आएंगे, देखिए लिमिट x टेंड टू जीरो साइन 5x ओवर 5x, तो आंसर हमारा क्या आएगा, वन आएगा। तो इस क्वेश्चन को सोल्व कैसे करेंगे, देखिए सिमिलर वे में हम लिखेंगे लिमिट x टेंड टू जीरो साइन 5x ओवर 5x इक्वल टू वन, तो यहां ब्रैकेट में डाल देंगे हैंस लिमिट x टेंड टू जीरो साइन x ओवर x इक्वल टू वन, क्योंकि हमारे पास लिमिट x टेंड टू जीरो साइन x ओवर x वन आता है। तो इस कंडीशन से हमारा साइन 5x ओवर 5x और लिमिट की कंडीशन सेम x टेंड टू जीरो, तो ये भी हमारा क्या आएगा, वन ही आएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको जैसे लिमिट x टेंड टू जीरो साइन 3x ओवर 3x आंसर वन, लिमिट x टेंड टू जीरो साइन 7x ओवर 7x तो आंसर आएगा आपका वन। और सारी कौन सी कंडीशंस को फॉलो कर रही हैं, लिमिट x टेंड टू जीरो साइन x ओवर x इक्वल टू वन। तो इस तरह से आपको मेंशन करना होगा एग्जाम्स के अंदर। अब देखिए यहां कुछ याद रखने वाली बातें हैं। जैसे लिमिट x टेंड टू जीरो साइन स्क्वायर एक्स ओवर एक्स इक्वल टू वन नहीं होगा, क्यों, क्योंकि हमारे पास कंडीशन क्या है, लिमिट x टेंड टू जीरो साइन एक्स ओवर एक्स इक्वल टू वन। लेकिन यहां पर हमारे पास क्या है, साइन स्क्वायर एक्स, तो इसे इस तरीके से सोल्व नहीं करेंगे। सिमिलरली अब देखिए लिमिट x टेंड टू a साइन a माइनस एक्स ओवर a माइनस एक्स, ये भी हमारा वन होगा, क्यों, क्योंकि ये कौन सा कंडीशन फॉलो कर रहा है, ये वाला कंडीशन, कौन सा, ये वाला कंडीशन। सिमिलरली अगर आपको लिमिट x टेंड टू 5 साइन 5 माइनस एक्स ओवर 5 माइनस एक्स, तो आंसर आपका क्या आएगा, वन आएगा, क्यों, क्योंकि ये कौन सा कंडीशन फॉलो कर रहा है, लिमिट x टेंड टू जीरो साइन x ओवर x। अब टेन के केस में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, ये तो साइन के केस में था, अब देखिए टेन के केस में सिमिलर वे में आएगा लिमिट x टेंड टू जीरो टेन 5x ओवर 5x आंसर वन आएगा, क्यों, क्योंकि ये कौन सा कंडीशन फॉलो कर रहा है, टेन एक्स ओवर एक्स का। लिमिट x टेंड टू जीरो टेन 7x ओवर 7x इक्वल टू क्या आएगा, वन आएगा, क्यों, क्योंकि ये कौन सा कंडीशन फॉलो कर रहा है, लिमिट x टेंड टू जीरो टेन एक्स ओवर एक्स इक्वल टू वन वाला। लिमिट x टेंड टू a टेन a माइनस एक्स ओवर a माइनस एक्स इक्वल टू आएगा वन, क्योंकि ये कौन सा कंडीशन फॉलो कर रहा है, लिमिट x टेंड टू जीरो टेन एक्स ओवर एक्स का। अगर आपको लिमिट x टेंड टू 5 टेन 5 माइनस एक्स ओवर 5 माइनस एक्स, तो आंसर आएगा आपका 1, क्योंकि ये कौन सा कंडीशन फॉलो कर रहा है, लिमिट x टेंड टू 0 टेन एक्स ओवर एक्स इक्वल टू 1 का कंडीशन फॉलो कर रहा है। ये तो हो गए 10 के क्वेश्चंस। अब इनके अंदर वेराइटीज आती है, वो किस टाइप की वेराइटीज है वो देखते हैं। सबसे फर्स्ट जो है वो है हमारा लिमिट x टेंड टू 0 साइन x डिग्री ओवर x। और यहां पे गौर करने वाली बात है कि यहां पे लिमिट x टेंड टू 0 साइन x ओवर x इक्वल टू 1, यहां पर ये जो x है ये हमारा कौन से फॉर्म में है, रेडियन के फॉर्म में है, लेकिन यहां पर x कौन से फॉर्म में है, डिग्री के फॉर्म में है। तो हम लोगों ने पढ़ा है कि डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अगर मैं इसे पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करूं तो ये रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो लिमिट x टेंड टू 0 साइन पाई एक्स बाय 180 ओवर x। तो ये अब कन्वर्ट हो चुका है रेडियन में। अब हम इस पे लिमिट सॉल्व करेंगे। देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए मुझे क्या जरूरत है, ऊपर में हमारे पास साइन पाई एक्स ओवर 180 है, और अगर मुझे इसे इस कंडीशन में बनाना है तो मुझे इस पूरे के नीचे पाई एक्स बाय 180 बनाना होगा। तो मेरे पास x तो है लेकिन पाई बाय 180 नहीं है। क्या नहीं है, पाई बाय 180 नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, इस पूरे को पाई बाय 180 से डिवाइड कर दूंगा और पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो मैंने अगर इसे पाई बाय 180 से डिवाइड करा तो इधर आ जाएगा मेरा पाई, नीचे आ जाएगा 180, ये डिवाइड हो गया। अब मुझे मल्टीप्लाई करना होगा, तो पाई बाय 180 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया पूरे को। अब यहां देखिए इतने में सिर्फ यहाँ कौन सा कंडीशन लग जाएगा, लिमिट एक्स टेंड टू 0 साइन पाई एक्स ओवर 180 ओवर पाई एक्स ओवर 180। ये कौन सा कंडीशन फॉलो करने लग गया, लिमिट x टेंड टू 0 पाई एक्स ओवर x इक्वल टू 1 वाला कंडीशन। तो सिमिलर वे में लिखेंगे टेकिंग लिमिट, हमने लिमिट लिया तो ये पूरा आ जाएगा मेरे पास 1 इनटू में जो कांस्टेंट वैल्यू है पाई बाय 180, ये एज इट इज आ गया और मेरे पास आंसर आ जाएगा पाई बाय 180। देखिए ये जो कांस्टेंट वैल्यू है इसको चाहे तो आप लिमिट से पहले लिख सकते हैं या तो इधर मल्टीप्लाई में है तो उससे भी कोई फर्क नहीं होने वाला। तो जैसे साइन एक्स के केस में है, अगर मुझे ये 10 के केस में मिलता है तो कैसे करेंगे, देखिए करने का तरीका सेम होगा और आंसर भी सेम ही आना है। लिमिट एक्स टेंड टू 0 10 x डिग्री ओवर x है आपके पास। सबसे पहले इस डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो लिमिट x टेंड टू 0, आप चाहे तो लिमिट को LIM लिखिए या तो LT लिखिए या तो पूरा लिमिट लिखिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो लिमिट x टेंड टू 0 10x डिग्री ओवर x। अब मुझे क्या करना है, इस x वाली जो डिग्री में है इसे रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए बेसिक फंडा पाई बाय 180 से मल्टीप्लीकेशन। तो 10 पाई बाय 180 x, इसे x डिग्री जो x है इसको क्या करा मैंने पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई ओवर x। और अभी मैंने बताया अगर मुझे इसे 10 x ओवर x लिमिट x टेंड टू 0 का केस इक्वल टू 1 ये बनाना है तो मुझे क्या करना होगा, पाई बाय 180 से क्या करना होगा, मल्टीप्लाई और डिवाइड। तो यहाँ पर मेरे पास क्या है, x है। मैं क्या करता हूँ, इसे पाई बाय 180 से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो ये आ गया मेरे पास पाई, ये आ गया 180 इनटू में, ये तो हो गया डिवाइड। अब कर देता हूँ मैं मल्टीप्लाई, ये कर दिया मैंने मल्टीप्लाई। अब टेकिंग लिमिट, अब मैंने लिमिट ले लिया। तो यहाँ इतने केस में तो मेरा लिमिट लग गया, कौन सा लिमिट, ये वाला लिमिट x टेंड टू 0 10x ओवर x इक्वल टू 1। तो ये पूरा आ जाएगा मेरे पास 1 इनटू में, मेरे पास कांस्टेंट वैल्यू बच गई पाई बाय 180, तो आंसर आ गया पाई बाय 180। तो एक रिजल्ट आ गया, एक तरह से दोबारा से एक रिजल्ट आ गया। आपको अगर कभी भी लिमिट x टेंड टू 0 साइन x डिग्री ओवर x मिलता है तो आंसर हमेशा पाई बाय 180 मिलेगा। लिमिट x टेंड टू जीरो टेन x डिग्री ओवर x मिलता है, तो आंसर हमेशा पाई बाय 180 मिलेगा। तो ये भी एक तरह से क्या आ गया हमारे पास, रिजल्ट बन के आ गया और ये हमेशा सेम ही रहेगा। अब देखते हैं दूसरे टाइप्स के क्वेश्चंस। देखिए अब जो क्वेश्चंस आएगा वो देखिए, लिमिट x टेंड टू जीरो साइन 5x ओवर 3x। यहां पर क्या कंडीशन होती थी हमारे पास कि लिमिट x टेंड टू जीरो साइन 5x और नीचे भी हमारा क्या होना चाहिए 5x, तो ही ये 1 होगा। लेकिन यहां पर हमारे पास डिनोमिनेटर में क्या है 3x है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस जो है एग्जाम्स में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो इन क्वेश्चंस को करने के लिए एक जनरल टर्म बना दिया गया है। वो जनरल टर्म देखिए, सबसे पहले लिमिट x टेंड टू जीरो साइन ax ओवर bx, यह जनरल टर्म होता है, ठीक है, और इसका आंसर हमेशा a ओवर b आता है। अब कैसे आता है वो देखिए, लिमिट x टेंड टू जीरो साइन ax, यहां पर जो a है इस a से क्या करते हैं हम डिवाइड और मल्टीप्लाई। तो अगर मैंने इस ax से इस पूरे को डिवाइड किया तो मेरे पास a इंटू bx, अब मैंने डिवाइड किया तो मुझे मल्टीप्लाई करना होगा, तो मैंने a से मल्टीप्लाई कर दिया। अब लिमिट x टेंड टू जीरो साइन ax ओवर में, अब मुझे साइन ax ओवर ax बनाना है, तो मुझे क्या करना होगा, ये सब मल्टीप्लीकेशन में है, सारी चीजें मल्टीप्लीकेशन में, डिनोमिनेटर में, तो मैं क्या करता हूं a को x के साथ लिख लेता हूं, यानी ax आ गया और इनटू में ये a तो था ही, मैं इस b को नीचे लिख लेता हूं, तो मेरे पास क्या आ गया a ओवर b और x को मैंने कर दिया a के साथ मल्टीप्लाई, बात तो एक ही है। तो और इसके RHS में a ओवर b लिखे रहने दीजिए, a ओवर b। अब देखिए यहां तो हमारा लग गया भैया लिमिट x टेंड टू जीरो साइन ax ओवर ax, कौन सा लिमिट फॉलो कर रहा है, ये वाला लिमिट फॉलो कर रहा है, लिमिट x टेंड टू जीरो साइन x ओवर x इक्वल टू 1। तो ये पूरा आ गया मेरे पास 1 इनटू में मेरे पास क्या बच गया a ओवर b, तो आंसर क्या आया a ओवर b, और प्रूफ क्या करना था a ओवर b। तो देखा आप लोगों ने हमारे पास जो जनरल टर्म आया उसको कैसे सॉल्व करते हैं और आंसर हमेशा a ओवर b आता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा 5 ओवर 3, लेकिन कैसे आएगा इसी स्टेप में करके देखिए। देखिए लिमिट x टेंड टू जीरो साइन 5x ओवर 3x, तो लिमिट x टेंड टू जीरो साइन 5x, मुझे क्या करना है, स्टेप क्या था, इस a से डिवाइड और मल्टीप्लाई, तो मैंने कर दिया डिवाइड, अब मुझे करना है 5 से मल्टीप्लाई, 5 से डिवाइड और मल्टीप्लाई। अब लिमिट x टेंड टू जीरो साइन 5x ओवर, इस x को मैं 5 के साथ मल्टीप्लाई करके इस तरीके से लिख देता हूं 5x, मेरे पास बच जाएगा 3, उस 3 को मैं 5 ओवर 3 लिख देता हूं, क्या 5 ओवर 3। अब ये जो आया लिमिट 5x साइन 5x ओवर 5x, यहां मैं लगा दूंगा लिमिट और ये हो जाएगा मेरे पास क्या 1, तो ये आ गया मेरे पास 1 इनटू में मेरे पास क्या बच गया 5 ओवर 3 इक्वल टू 5 ओवर 3। तो आपको अगर MCQs वाले क्वेश्चंस आते हैं तो आप डायरेक्ट आंसर 5 ओवर 3 लिखिए। अगर आपको सॉल्व करने के लिए आता है, चाहे 2 नंबर में आए, चाहे 4 नंबर में आए, चाहे 5 में आए, तो आप इसे इस वे में प्रूफ करोगे। कैसे किया हम लोगों ने, सबसे पहले जो हमारे पास ऊपर जो डिजिट होती है साइन के साथ, जो ए होता है, जनरली ए बोला जाता है, इस ए से डिवाइड और मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद जो x नीचे रहता है उस x को 5, जो भी आपका a आएगा उसके साथ लिख दीजिए, जिससे क्या होगा कि आपका साइन एक्स ओवर एक्स वाला कंडीशन बन जाएगा। साइन एक्स ओवर एक्स वाला कंडीशन बनेगा तो वो आपका 1 हो जाएगा और आंसर आपका ए ओवर में बी आ जाएगा। क्या? ए ओवर में बी। सिमिलर वे में एक 10 का क्वेश्चन देख लेते हैं इसी टाइप में, तो और समझने में आसानी होगी। देखिए, अगर मुझे यही क्वेश्चन लिमिट x टेंड टू 0 टेन x डिग्री, सॉरी डिग्री वाला नहीं है, साइन 5x ओवर 3x, चलिए डिजिट बदल लेते हैं, आपकी बात। इधर डाल देता हूं 9 और ऊपर डाल देता हूं 11। ठीक है, ये क्वेश्चन मिलता है। मुझे क्या करना है? कंडीशन लगानी है, लिमिट x टेंड टू 0 टेन 11x ओवर 9x। यहाँ जो ऊपर नंबर होगा a वाला नंबर, उस a से मुझे क्या करना है? डिवाइड और मल्टीप्लाई। तो मैंने कर दिया डिवाइड, अब मुझे क्या करना है? मल्टीप्लाई। क्या करना है? मल्टीप्लाई। यहाँ इस तरीके से लिख देता हूं। अब लिमिट x टेंड टू 0, मुझे टेन 11x ओवर 11x बनाना है, जिससे ये वाला कंडीशन यहाँ अप्लाई हो जाए। तो मुझे क्या करना होगा? टेन 11x तो है ही, इस 11 को इस x से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास 11x आ जाएगा। बच गया 9, उस 9 को क्या करूंगा मैं? इस 11 के नीचे डाल दूंगा और यहाँ अप्लाई कर दूंगा इतने में लिमिट। इस लिमिट को अप्लाई करने से क्या होगा कि ये पूरा हो जाएगा मेरे पास 1, मल्टीप्लाई में आ जाएगा मेरे पास 11 ओवर में 9। तो आंसर क्या आ गया? 11 ओवर में 9। और डायरेक्ट मुझे पता है कि आंसर a ओवर b आना है, और a ओवर b क्या है? 11 ओवर 9। तो एग्जाम्स में आप इस तरीके से प्रूफ करेंगे, वही सेम तरीका, a से डिवाइड और मल्टीप्लाई, फिर a को x के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए और जो कांस्टेंट वैल्यू है उसे सेपरेट कर दीजिए। और बाकी जो आपके पास साइन आता है या टेन आता है तो उसमें लिमिट कंडीशन अप्लाई कर दीजिए, जिससे वो हो जाएगा 1 और आपके पास जो कांस्टेंट वैल्यू आती है मल्टीप्लिकेशन में वो आपका आंसर हो जाएगा। तो ये हुआ हमारे पास नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन। अब देखिए, ट्रिग्नोमेट्री में हम लोगों ने हाफ एंगल फॉर्मूला पढ़ा है। क्या? हाफ एंगल फॉर्मूला। हाफ एंगल